सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्वा वहै तेजस्विनावधितमस्तु मा ओ शांति ही, शांति ही, शांति ही। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है कल्याणी वेदवाणी जो हम सबके जीवन को सुपथ सत्य के मार्ग पर धर्म के मार्ग पर और जो हमारा निज कर्तव्य है उस कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए और तेजस्विता से जीवन जीने के लिए सदा प्रेरित करती है इस वाणी को हम अपने जीवन का अंग बना लें और जैसा वेद का संदेश हम सबके लिए है यदि वैसा हम अपने मन वाणी और शरीर से आचरण करते हैं तो है हमारा बहुत ही कल्याण होता है और जितना भी संसार का हम उपकार करना चाहें हम उपकार करने के लिए समर्थ बन जाते हैं लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं यदि वेदोक्त कर्मों को हम करते हैं वेदानुकूल आचरण करते हैं क्रियाशीलता हमारे स्वभाव में जब उतर जाती है तो यह क्रियाशीलता सदा हम बना करके के रखें एक क्षण भी इससे विपरीत आचरण ना करें जितना व्यक्ति क्रियाशील होगा सक्रिय होगा जितना सात्विक सक्रियता होगी जितना सात्विक कर्मों में हमारी रुचि होगी प्रवृत्ति होगी उतना उतना हम आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का जो बहुत दिव्य उद्देश्य होता है उसकी हम पूर्ति कर पाते हैं और जिनके जीवन में यह क्रियाशीलता नहीं है आलस्य प्रमाद है, जिनके आहार विचार व्यवहार ठीक नहीं हैं उनका जीवन अत्यंत दुर्गुणों से परिपूर्ण हो जाता है अत्यंत दुखी दीनहीन हो जाते हैं तो हम दीनता से हीनता से दुखों से कष्टों से बचें जब हमको इतना सुंदर उपदेश इतना सुंदर जीवन जीने का संदेश मिलता है इससे तो हम क्यों अंधकार की ओर जाएं? हम क्यों उस अविवेकपूर्ण अज्ञानपूर्ण अधर्मपूर्ण, अन्यायपूर्ण रास्ते में जाएं, जो कांटों से भरा है जो क्षणिक सुखों का प्रलोभन देकर के दीर्घ काल तक का जन्म जन्मांतर जिसमें व्यतीत हो जाते हैं ऐसे दुखों को हम मोल क्यों लें हम क्रियाशीलता से युक्त हों पूर्ण पुरुषार्थ करने वाले हों पुरुषार्थ के आधार पर अपने जीवन की आधारशिला तैयार करें और उस पर दिव्य भवन का निर्माण करें यही निर्माण हमको दिव्य निर्माण क्यों ले जाता है आज हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल के तैतालीसवें सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे तृतीय सूक्त और यह जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं सूक्त पढ़ रहे हैं बहुत ही उत्कृष्ट ज्ञान है और बहुत ही उत्कृष्ट जीवन जीने की कला हमको बतलाई जा रही है सिखलाई जा रही है मैं पहले वेद मंत्र लिखता हूँ फिर आपके समक्ष कुछ निवेदन करूँगा त्वामेता वृषणा तो हरि सखाया सुधुरा स्वंगा सखाया सुधुरा सुधुरा स्वंगा धानवींद्र सवनम जुषाणः सवनं सखा सखासख्युः सखा सख्यु क्षुणवत् वंदनानि वंदनानी यह मंत्र तीसरे मंडल के तैतालीसवें सूक्त के यह चौथा जो मंत्र है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं ओम आचा त्वमेता वृष्णा वहतो हरिसखाया सुधुरा स्वङ्गा धानावदिन्द्रः सवनं जुषाणा सखासख्युषणवन्दवन्दनानि ओ <laughs> आच त्वमेता वृषणा वहतो हरिसखाया सुधुरा स्वा धानावद इन्द्रः सवनं जुषाणः सखा सख्यु श्रणवद वंदना वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है और भाव भी बहुत ही ग्राह्य है जिसको हम अपने जीवन में जी करके अपना समस्त जीवन धन्य कर सकते हैं ऐसे जीवन को जीकर के वास्तव में हम सब इस धरती पर स्वर्ग ला सकते हैं निवेदन किया है हे इंद्र जितेंद्रिय पुरुष ताम तुझे एता ये वृष्णा अर्थात ता ये शक्तिशाली हरि इंद्राश्व अवहतः हा, समन्तात कार्यों में ले चलने वाले हों ये इंद्रिया सदा हमको सदमार्ग पर सत्प्रेरित होकर के सदा ज्ञान के अनुसार कर्म इंद्रियों को प्रेरित करने वाली हों ज्ञान इंद्रिया अपने सात्विक अच्छे सच्चे जान के साथ ही इस महनीय जीवन को महनीय कर्म के द्वारा अलंकृत कर सकते हैं जानेन्द्रियों के अनुसार कर्मेंद्रिया कर्मों को करने वाली हों और सुधुरा अर्थात कार्य धुरा को ये इंद्रियाश्व सम्यक धारण करने वाले हों स्वंगा उत्तम अंगों व उत्तम गति वाले हों क्योंकि यदि हमारे शरीर ठीक नहीं होंगे अच्छे नहीं होंगे कार्य करने में बाधा होगी कार्य बाधित तो होगा और हम गति प्रगति को नहीं प्राप्त कर सकते इसलिए यह जो अगी गतौ धातु है इसमें गति जान गमन और प्राप्ति जहाँ गति होगी वहीं पर हमारे कल्याण के लिए हमारे उत्थान के लिए जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति होगी और यदि हमारे जीवन में गति नहीं है हमारे जीवन में क्रियाशीलता नहीं है हमारे जीवन में यदि जीवन जीने की जिजीवशा नहीं है जीवन जीने की जो गति प्रगति सदगति की कामना लोग करते हैं यदि पुरुषार्थ नहीं होगा तो कभी भी यह कार्य भी संपन्न नहीं हो सकता है इसलिए हम कार्य को धुरा को ये जो हमारी इंद्रिय अश्व हैं सम्यक धारण करने वाले हों स्वंगा उत्तम अंगों वाले वह उत्तम गति वाले हों इंद्र यह जितेंद्रिय पुरुष धानवत भुने हुए जव वाले सवनम जुषाणा जीवन यज्ञ का सेवन करता हुआ जीवन यापन करे इसका भोजन ये द्यावा ही हो, इन सात्विक भोजनों में से जीवन की जो सात्विकता है वह अन्य संदेह बहुत ही सुव्यवस्थित होती है सात्विक भोजनों से जीवन की वृत्ति भी सात्विक बनी रहती है और इस सात्विक वृत्ति के होने पर वह सखा प्राणी मात्र का मित्र प्रभो सख्यु हो मुझे सखा के वंदनानी वंदनों को श्रृणवतु सुनता है यदि मैं इंद्रिय अश्वों को शक्तिशाली बना करके कार्यों में निरंतर लगा करके रहता हूँ उनको एक क्षण के लिए भी निरर्थक और दूषित नहीं होने देता हूँ और शुद्ध आहार का सेवन करता हूँ जो मेरे जीवन में आरोग्यता को लाने वाले हैं ऐसे आहार से ऐसे विचार से ऐसे व्यवहार से अपने को जब मैं ओत प्रोत करता हूँ सात्विक भोजनों को करता हूँ तो प्रभु मेरे से की गई स्तुति को सुनते हैं जीवन को मैं कुछ बनाने का प्रयत्न न करूं और वंदन ही वंदन करता रहूं, तो यह वंदन अभिनंदन यह कभी भी चंदन नहीं बन सकता है यह कभी भी हमको शीतलता नहीं दे सकता है कभी हमारे जीवन का जो सुख का हम जिसको बहुत चाहते हैं सब प्राणी चाहते हैं सुख मिले उस सुख की कामना हम केवल करते रहेंगे और सुख कभी मिलेगा नहीं यदि हम वंदन अभिनंदन पूजन के साथ साथ स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ साथ जीवन में कुछ करके आगे बढ़ते हैं तो ऐसा वंदन प्रभु को प्रिय होगा और केवल हम उससे मांगते रहें हे प्रभु हमको ये दे दीजिए हे प्रभु हमको ये बना दीजिए हे प्रभु मैं ये बन जाऊँ मैं वो बन जाऊँ केवल ऐसी हम केवल कामना करते रहें या केवल पूजा पाठ में ही लगे रहें अपना पूजा पाठ करें और जो हमारा कर्तव्य है माता पिता गुरु आचार्य भाई बहन पुत्र पुत्री पति पत्नी गुरु शिष्य राजा प्रजा जितने भी किसान हो नौजवान हो चाहे खेतों का किसान हो चाहे सीमा पर लगा जवान हो चिकित्सक हो, शिक्षक हो, कितने भी हम उत्तरदायित्वों को निभाने वाले हों लेकिन उत्तरदायित्वों को छोड़ करके केवल वंदन करते रहें तो यह भी उचित नहीं होगा वंदन ही वंदन मैं करता रहूं, तो यह वंदन व्यर्थ है ऐसा वंदन प्रभु को कभी प्रिय नहीं हो सकता है जिसमें प्रयत्न ना हो जिसमें शिथिलता ही शिथिलता हो जिसमें केवल कोरी प्रार्थना हो और उस प्रार्थना के अनुसार अपने जीवन को जीने का यत्न ना किया जाए प्रयत्न ना किया जाए वैसा बनने का पुरुषार्थ ना किया जाए तो ऐसी प्रार्थनाएं हमको कभी भी सफलता क्यों नहीं ले जाती हाँ ठीक है थोड़ी देर अपने आत्म शांति के लिए हम प्रार्थना कर लें लेकिन प्रार्थना करने का तात्पर्य क्या है कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसी प्रार्थना से हमारा जीवन ओत प्रोत होना चाहिए हम यदि प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के गुणगान कर रहे हैं प्रभु का नाम जप रहे हैं तो जैसा गुण हम उसमें प्रार्थना में बोलते हैं वैसा हमारे स्वभाव में भी उतरना चाहिए जैसी हम प्रभु से कामना करते हैं वह कामना हमारे अंदर घटित होनी चाहिए वैसा पुरुषार्थ भी हम करें बिना पुरुषार्थ के बिना परोपकार के सदाचार के बिना प्रभु की कृपा के हमारा जीवन कभी चल नहीं सकता है इसलिए हम वो जो सखाओं का भी सखा है जो प्रभु मित्रों का भी मित्र है उस परम मित्र परम सखा और परम जो पिता है परम माता है उसको सदा अपने हृदय में स्थापित करके जीवन को जीने वाले हों और सदा उसका गुणगान करने वाले हों ऐसी क्रियाशीलता ऐसा क्रियामय जीवन हो और भोजन भी सात्विक हो क्योंकि सात्विक भोजन से ही सात्विक विचार आ सकते हैं सात्विक विचार आएंगे तो सात्विक कर्म होंगे यदि राजसिक तामसिक भोजन करेंगे तो राजसिक तामसिक ही विचार मन में आएंगे और वैसी ही हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी इसलिए इससे निवृत्त होने के लिए इसमें लिप्त नहीं होने से हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा और इसमें यदि हम लिप्त हो जाते हैं काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्षा द्वेष ये जो चीज़ें हैं जो से भरी हुई हैं जो राजसिक जो है धारणाएं हैं या राजसिक जो प्रवृत्ति है वो कभी भी जीवन को सुपथ की ओर नहीं ले जाने वाली होती है इसलिए हम प्रभु का गुणगान करते हुए भजन करते हुए सात्विक भोजन करें तो हमारा वंदन अवश्य प्रभु सुनते हैं और सुन करके के फिर हमारे अंदर वैसा सामर्थ्य भी दे देते हैं इसलिए प्रभु सबका जीवन का इस जगत का उत्पन्न करने वाला है प्रभु जो सबका पालन पोषण करने वाले हैं हम प्रार्थना पूर्ण हृदय से उनको स्मरण करें और जैसा इस वेद मंत्र का संकेत है कि हम सात्विक आहार लें सदा जो हमारी जान हैं उस फिर ज्ञान के अनुसार वैसा कर्म करने में भी प्रवृत्त हमको कराएं हम वैसे ही प्रवृत्त हों इससे भिन्न कोई दूसरा आचरण जो हमारे प्रतिकूल है हमारे अस्तित्व के अनुकूल नहीं है मनुष्यता के अनुकूल नहीं है शास्त्रों के अनुकूल नहीं है आत्म अनुकूल नहीं है इस विपरीत जो कर्म है जो उल्टे कर्म है इनसे हम बचें तथा प्रभु की भक्ति में आनंदित रहें और ऐसा कहने से ऐसा करने से फिर हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है प्रार्थना पूर्ण हृदय हमारा सदा होना चाहिए और उस प्रभु के प्रति प्रार्थना हमको सदा करनी चाहिए नमस्ते सतेते जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रया नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय भयानाम भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैः पदानां नियन्त्री परेशां परम प्राक्षणम प्राक्षणानां वयं त्वं स्मरामो वयं त्वं भजामो वयं त्वं जगत साक्षि रूपं नमामः सदेकं विधानं निरालंभमीशं भवां बोधिपोत्तम शरणं प्रजामः भवाम्बोधिपोतम शरण्यम व्रजा महा जो परम पिता परमेश्वर हमारे जीवन को और इस जगत को चला रहे हैं अविनाशी जो हैं स्वरूप संसार का जो सदा उत्पादन करने वाला है उत्पन्न करने वाला है आपको मैं नमस्कार करता हूँ हे यज रूप सब लोक लोकांतरों को धारण करने वाले प्रभु आप ही वास्तव में इस जीवन और जगत का कल्याण करने वाले हैं आप गति हैं आप जो है भयों के भी भय हैं आप सब प्राणियों के भय का निवारण करने वाले हैं आप प्राणियों की गति हैं गति क्योंकि वही हम सबको गति देता है हमारे प्राणों का भी वो प्राण है उसके ही वो प्राणपति है इसलिए यत प्राणे ना प्राणिति येन नाण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदि न उपासते ऐसी प्रार्थना की गई है और इस प्रार्थना के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं अपने शुभ संस्कारों को जगाएं और सात्विक आहार लें तामसिक आहार न लें अधिक आहार न लें जबरदस्ती न खाएं न जबरदस्ती किसी को खिलाए ये भी एक जो स्वभाव लोगों का कभी कभी हो जाता है खुद तो खूब खाते हैं और दूसरों को भी ज़बरदस्ती खिलाने से उनको लगता है या हम नहीं खिलाएँगे तो भूखे रह जाएँगे तो ये भी एक हठ दुराग्रह जो है ना ये व्यक्ति को शरीर से रोगी कर देता है स्वभाव ख़राब कर देता है तो हम इससे बचें सात्विक आहार लें और ताज़ा आहार लें जिससे धीरे धीरे फिर हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा और हम प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएंगे प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेंगे तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं शेष चर्चा अगली कक्षा में पुनः करेंगे ओम शांति शांति शांति